की वीडियो में मैं आपको 390 की फैक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा। फैक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये कुछ एग्जाम्पल हुए प्राइम नंबर के। इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना ज़रूरी, फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचेस होती है उसी तरह मैंने 390 की दो ब्रांचेस बनाई। लेफ्ट साइड आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा, राइट साइड अगर आपका प्राइम नंबर आ जाए तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी। तो 2 × 195 390 हुआ। राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री और आगे बढ़ेगी, 3 × 65 195 हुआ। राइट साइड अभी आपका प्राइम नंबर नहीं आया तो फैक्टर ट्री अभी और आगे बढ़ेगी, 5 × 13 65 हुआ। और राइट साइड अब आपका 13 है जो कि एक प्राइम नंबर है, तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी फैक्टर ट्री सही है गलत, तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना होगा। लेफ्ट टू राइट चलते टाइम आपको सभी के सभी प्राइम नंबर ही मिलेंगे। इन प्राइम नंबर्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा जिसकी आपको फैक्टर ट्री बनानी थी, 2, 3, 5 × 13 क्या होगा, 390 हुआ। 390 ही की ही आपको फैक्टर ट्री बनानी थी, तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टर ट्री एकदम सही है। 2, 3, 5 एंड 13 390 के प्राइम फैक्टर्स भी होंगे।